ये प्रेम रावत है कौन और आपका मकसद क्या है? जो ये प्रश्न है कि प्रेम रावत कौन है, इसका तो मैं यही कहूँगा कि एक मनुष्य है प्रेम रावत, जिसने अपने जीवन में इस बात का एहसास किया है कि शांति कितनी ज़रूरी है मनुष्यों के लिए। और 4 साल की उम्र से मैंने इस शांति के विषय में बोलना शुरू किया, लोगों के सामने अपनी बात रखना शुरू किया। और मेरे जो पिताजी थे वो इस संदेश को ले जा रहे थे, पर हिंदुस्तान भर में ही वो सीमित था। जब मैं 9 साल का था तो उनका शरीर पूरा हुआ और उसके बाद ये जिम्मेवारी मैंने संभालना शुरू किया। उनका ये सपना था, उनका ये ख्वाब था कि मैं इस संदेश को सारे संसार में ले जाऊं। इसीलिए वो चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ूं और विदेश में इस संदेश को लोगों तक मैं पहुंचाऊं। और संदेश बहुत ही सरल है कि मनुष्य के अंदर शांति है और उस शांति का एहसास करना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बुनियादी है। अगर मनुष्य उस शांति का एहसास नहीं कर पाया तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो कौन है, वो क्या है। और अगर वो ये समझ नहीं पाएगा कि वो कौन है और सब औरों को समझने की कोशिश करेगा, और यही मनुष्य करता है, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता है पर अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करता है। वो दोस्तों को जानता है पर अपने आप को नहीं जानता है। वो अपनी फैमिली को जानता है पर अपने आप को नहीं जानता है। वो अपने कॉलीग्स को जानता है पर अपने आप को नहीं जानता है। उसके जीवन के अंदर बाहरी रूप से जो कोई भी आदर्श है उनको वो जानता है, जो कोई भी मंजिल है बाहर जिसने बनाई हुई है उनको वो जानता है, पर अपनी मंजिल को वो नहीं जानता है। उसके साथ क्या होगा? तो इस संदेश को मैं लोगों तक ले जाता हूँ ताकि वो भी अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाए, क्योंकि ये तो जब तक ये शांति मनुष्य के अंदर नहीं होगी तो क्रांति फैलती रहेगी। एक तरफ शांति है, एक तरफ क्रांति है।